बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रखंड एवं हनुमान नगर प्रखंड का मतगणना कार्य बाजार समिति प्रांगण में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और परिणाम आना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था व्यापक की गई है, हर पोस्ट पे पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं ताकि शांति व्यवस्था कायम रह सके। 434 मत से जो है फैसला हुआ है और हम लोगों का आशा था कि 21 वोट आएगा, लगभग 2-4-10 कम 21 वोट आया है। 20 सब कुछ पहला राजनीतिक करियर में पहली बार मुखिया बने हैं किससे? नहीं, हम दूसरी बार हैं। दूसरी बार लगातार हैं, लगातार दूसरी बार। क्या कहेंगे जनता से? जनता को जो है मतलब हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मतलब फिर पुनः मतलब हमको वापस लाए और जिस निष्ठा प्रभाव से मतलब जनता हमको वापस लाई है उसी निष्ठा से जो है हम अगला काम करें। किसको श्रेय देना चाहते हैं आप जीत का? हमारा पंचायत से मुखिया में 96 वोट से जीता हूँ। कितने प्रत्याशी को आपके पीछे रह गए? तीन। क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि जनता जो इस बार जनादेश देकर के दिखाया है वो केवल काम, और यही जो काम का ही वोट होना ही चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामजी राम है। ग्राम पंचायत राज शंकरपुर से मुखिया पद की दोबारा जीते हैं। कितने मतों से जीते हैं? 729 मत से। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता को ये कहना चाहते हैं कि लगातार ग्राम पंचायत राज शंकरपुर की जनता हम पर और हमारे परिवार पर विश्वास किया है। हमारे पिताजी वहाँ से मुखिया हुआ करते थे आज़ादी के बाद, फिर वो 10 वर्षों तक बिहार विधानसभा के सदस्य चाले से हुआ किए। 2001 से 3 बार जनता ने हमें मौका दिया है, 2 बार इनको मौका दिया है, 5 बार 2001 से हम लोग लगातार जीतते आ रहे हैं। जनता मेरा परिवार है, वो पूरा पंचायत का परिवार हम समझ के लेके चलना चाहते हैं, और जो अधूरा विकास है कुछ उसको मैं चाहूँगा कि निश्चित तौर पर कि जो 5वीं बार मौका मिला है उसको उनको शिकायत का मौका मैं नहीं। कितने मतों से जीते हैं? 17 वोट। कौन सा पंचायत? घटासा। वार्ड नंबर 5। क्या नाम हुआ? शोभा देवी। शोभा देवी पति हम उनका हुए। जी मुखिया जी, कहाँ से जीत हासिल किया और कितने मतों से जीते? अरेला पंचायत से 670 वोट से जीता हूँ, और हम चाहते हैं कि इसी तरीका से प्यार मिलते रहे तो हमेशा हम समाज की सेवा करते रहे। क्या पूर्व का कोई राजनीतिक करियर भी रहा है आपका? जी, बहुत बड़ा करियर है मेरा। क्या थे पूर्व में? बस सामाजिक कार्यकर्ता। जी, क्या कहना चाहेंगे जनता से? बहुत बहुत धन्यवाद है, जो प्यार दिया है क्या कहेंगे उनके, उनके लिए कहने का क्या है, दिल करता है पैर चूम जी कह रहा है क्या करूँ। अरे क्या नाम हुआ? जी लाल बाबू पासवान जी, वार्ड से पंचायत पंचोम सर। मेरा नाम बीना देवी, वार्ड 13। पिछले भी बार जीते हुए हैं, इस भी बार जीते हुए हैं। हमने जीते, हमारे जनता जीते। काम किए सर, नाला बनाए हैं, गली नली किए हैं, इसलिए हमको फिर जनता चुना है। क्या नाम हुआ? सरमीना देवी। मेरा नाम अरुण महतो। वो पंचायत? पंचायत पंचोम, वार्ड नंबर 13। कितना मत था? मत था 127। चलिए, हम राजो पंचायत से जीते हैं, सिंहवाड़ा फंड से। मेरा नाम है रुखसाना खातून, दूसरी बार ये हम मुखिया बने हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से हम खुश हैं, जनता का हर सेवा करेंगे, 5 साल किया फिर करेंगे जनता का सेवा। जनता हमारी खुश है हमसे, जनता का सेवा। जी किस पद से जीते हैं और कितने मतों से? सरपंच पद से जीते हैं। कितने मतों से? 1163 मत। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता को धन्यवाद देते हैं कि हमको तीसरे बार सेवा का मौका दिए हैं। कौन सा पंचायत हुआ? पटोरी हनुमान नगर प्रखंड। जी किस पंचायत से आपने जीता है और कितने मतों से जीत हासिल किए? मैं हरियापुरी पंचायत से मुखिया अमन के विवेक की वजह से। क्या कुछ राजनीतिक करियर भी रहा आपका? नहीं, मैं तो मैं फर्स्ट एंट्री हुआ है।
भी। क्या कहना चाहेंगे जनता से? बस सौहार्दपूर्ण वातावरण रखते हुए और विकास की राह पर हमारे कदम कदम मिला करके हमें सहयोग करते रहेंगे। पहली बार आपने जीत हासिल किया है, किस भावना को लेकर, किस भावना से प्रेरित हुए आप जो मुखिया पद पर आए? एक तो जनता ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इसके लिए जो संकल्प से आया था, मेरे माइंड में प्लानिंग है कि आगे 5 साल तक मैं बेहतर काम करता रहूं, ताकि जनता जिस उम्मीद से मुझे लाए हैं उनकी उम्मीद में खरा उतरूं, इसके लिए एक मन में विचार चल रहा है और इसके लिए मैं हूँ कि मैं कैसे मैं उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकूं। क्या नाम हुआ? अजय कुमार झा। किस पंचायत से? अजयपुर पूर्वी। पद कौन सा हुआ? मुखिया पद से, बधाई पट्टी से 2045 वोट से चुनाव जीते हैं हमारे प्रत्याशी संगमा खातून। क्या कहना चाहेंगे जनता से? हम बुधाई पट्टी पंचायत के संपूर्ण मतदाता को अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से, बुधाई पट्टी पंचायत के मुखिया की ओर से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने एकजुटता के साथ मतदान किया और विकास और काम करने वाले को सेवा करने का मौका दिया। कैंडिडेट का नाम क्या? समीमा खातून। आपका? डॉक्टर तकनीम। इंटरव्यू चाहिए, इंटरव्यू लीजिए। आप लोग शांत रहिए थोड़ा। बोलावा करते हैं हमरा महिला सिपाही के, बोला दियो तो फिर हट गो ना, फोटो आ रहा है। वो हमारे पंचायत की जनता की जीत है, विकास की जीत है। हम सभी पंचायत वासियों को इसकी बधाई देते हैं। क्या आपका ये पहला राजनीतिक करियर है या इससे पहले? दो मरतबा हम रोहिला पंचायत से मुखिया हैं, 6 से लेकर 16 तक। मेरे यहाँ रिजर्वेशन सीट है, हम रुपोली पंचायत से चुनाव लड़े हैं और वहाँ से हम जीत हासिल किए हैं। क्या नाम? क्या नाम हुआ? मोहम्मद आरिफ। पंचायत रुपोली। कितने हनुमान नगर? कितने मत हैं? हम 100-150 वोट से। दो उंगली ऊपर कर दो सवाल में जी। किस पद से आप जीते हैं और कितने मतों से जीते हैं? मुखिया पद से जीती हूँ, 568 वोट से। किस पंचायत से? गोडियारी पंचायत से। क्या कहना चाहेंगे? पूरा जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी बधाई। क्या भैया इस जीत की खुशी के मौके पर क्या कहेंगे? पंचायत की जनता जो हम लोगों पर विश्वास जताया है, इसके लिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे विकास करके दिखलाएंगे उतना जो लोगों को याद रहेगा। आपका तो एक राजनीतिक करियर भी रहा है। राजनीतिक करियर है तब न कर रहे विकास करेंगे। नहीं, किस आधार का राजनीतिक रहा? क्या इससे पूर्व भी आपने पंच सरपंच में जीता था? पूर्व में मुखिया भी थे, जिला विश्वप्रिय सदस्य भी थे और जदयू से जुड़े हुए भी हैं, इसलिए विकास करना हमारा पहला प्राथमिकता है। क्या नाम हुआ? सुरेश प्रसाद सिंह, पूर्व मुखिया जी गोधियारी। कितने मतों से? 5/2 से हनुमान नगर। कितने मतों से? 17/10 वोटों से। क्या कहना चाहेंगे जनता से? हम सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार रहेंगे हम हमेशा। इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखे। हम क्षेत्र का विकास पहला सर्वप्रथम मेरा काम रहेगा, क्षेत्र का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य। कितने मत से जीते हैं? 17/10 वोट। बबलू सनी निवेदक, अंजू देवी प्रत्याशी। मुखिया पद से पैचो पंचायत से फिर जीते हैं और 2001 से लगातार 5वीं बार जीते हैं और केवल अपने नहीं जीते हैं, हमारे साथ पूजा चौधरी पंचायत समिति सहित और जितना वार्ड मेंबर पंच जितने लोगों को खड़ा किए थे सारे पदों पर फिर से एक बार जनता ने हम पर भरोसा किया है और सारे पदों पर हमारे उम्मीदवार को भारी मतों से जिताया है। इसके लिए हम अपने पंचायत की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे पंचायत की जनता सामाजिक सौहार्द के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के मजबूती के आंदोलन के लिए, किसानों के समस्या के निदान के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें ऐसे भी फिजिकली जुलूस में प्रदर्शन के रूप में सहयोग करता है और वोट दे के भी, अपना मत दे के भी सहयोग करने का काम किया है। इसके लिए पूरे पंचायत के जनता को बहुत बहुत आभार। समिति के साथ मिलके उसको पूरा करना चाहेंगे। किस पद से जीते हैं? पंचायत समिति, हमारी पत्नी थी पूजा चौधरी। पंचायत पंचो। कितने मत से? 419।
आपका नाम? रोहित कुमार। पंचायत से। कौन सा पंचायत? कितने मत से? 800 मत से। क्या कहना चाहेंगे जनता की? जनता के लिए जीत मेरी नहीं, जनता के जीत है। और पूर्व प्रमुख जो 15 साल से बैठे हुए थे उनको 800 मत से हराए, और मेरी जीत नहीं जनता की जीत है। क्या इससे पूर्व भी क्या आप लोगों का राजनीतिक करियर था? जी, राजनीतिक करियर था। मेरी माँ पंचायत समिति थी 2000 में, उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार मिश्रा हूँ। कैंडिडेट नेम? अनामिका कुमारी। आगे की क्या रणनीति बनेगी? आगे की बस जनता का विकास, यही मेरा रणनीति होगा। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता की सेवा करेंगे। क्या ये पहली बार है या दूसरी बार? 15 साल वार्ड सदस्य हम थे, इस बार क्या चुनाव है, पहले बार है। नाम हुआ जी श्याम राय। पंचायत रामपुटी। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता को निष्ठा पंचायत से जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ? तुलसी पासवान। कितने मतों से जीते हैं? 674 मत से जीते हैं। पद कौन सा हो गया? मुखिया पद। जनता के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद लईकुज़्ज़मान।